एंड ये हमारा 1 किलो 400 चिकन है, तो इसको आज गर्म पानी से नहीं धोए हैं, आज इसको ठंडे पानी से धोए हैं। आगे वाला वीडियो में हमने गर्म पानी से धो के बनाया था, बट आज वाला वीडियो में हम आपको ठंडे पानी से धो के नए स्टाइल से बना के दिखाएंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें हम लोग नमक डाल दिए हैं और इसको अच्छे से चला लेंगे। अभी नमक डाले हैं, अब इसको चलाएंगे अच्छे से। तो इससे क्या होगा कि प्याज हमारा जल्दी गलेगा और हल्का ब्राउन हुआ है और इसको हल्का रेड करेंगे प्याज को। उसके बाद हम लोग ये हरा मिर्चा डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा कि तीखा हो जाएगा, क्योंकि रेड मिर्चा का प्रयोग हम लोग कम करते हैं। आपको मैंने आगे वाला वीडियो में बताया था, तो इसीलिए मैंने हरा मिर्चा डाल दिया हूँ। तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, अभी कैसा कलर आ गया है प्याज का, और थोड़ा देर इसको भूंजेंगे अच्छा से, उसके बाद फिर चिकन डालेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए प्याज को होने दीजिए, तब आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, चिकन हम लोग डाल रहे हैं, 1 किलो 400 चिकन है हम लोग का, तो डाल रहे हैं इसको। हम देख सकते हैं, इसको मिला लेते हैं अच्छे से। तो ये डला रहा फ्रेंड गोलकी, लहसुन अदरक और जीरा का पेस्ट, जो कि टूटा हुआ है, मिक्सी में नहीं करते हैं क्योंकि टेस्ट उससे नहीं आता है। तो डला गया है, हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब देखिए तो अब इसमें हल्दी का पेस्ट ऐड करते हैं। तो डला गया हल्दी का पेस्ट, देख सकते हैं आप। अब इसमें डला रहा धनिया, तो अब इसमें मिर्चा पाउडर डला रहा, जो कि कम मात्रा में मिर्चा का पाउडर यूज किए हैं कि सेहत बढ़िया रहे। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाला ना जले। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए नए तरीके से मैं आपको वीडियो के माध्यम से चिकन बना के दिखा रहा हूँ। अगर कहीं घूमने जाने का मौका मिला तो वीडियो में अप टू डेट करेंगे आप लोग को। तो भाई जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और आप लोग ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखना, तब आपका भाई अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेगा। तो फ्रेंड इसमें हल्का सा पानी ऐड किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर कलर आ गया है। अभी इसमें MDH का मसाला डालना बाकी है, डालेंगे थोड़ा देर में, तो अभी थोड़ा देर के लिए इसको ढक देते हैं। तो फ्रेंड हम MDH का ये वाला मसाला यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं गरम मसाला, मीट मसाला और ये चिकन मसाला आपके सामने है। हीटर आ जाएगा, अभी थोड़ा देर में इसको डाला जाएगा, तो डाल के दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों, तीनों MDH का गरम मसाला, चिकन मसाला और मीट मसाला डाल दिए हैं। और इसका कलर देखिए कितना जबरदस्त कलर आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। ठीक है तब, फाइनल रिजल्ट ठीक है तब। देखिए दोस्तों, अभी मैंने इसमें कस्तूरी मेथी ऐड किया है चूर के हाथ से। तो देखिए, और इसको भाप निकल रहा है चिकन में से, और ये गुलगुल गुलगुल कर रहा। और ये देखिए, पानी लगता सूख गया है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इंडिया गेट बासमती चावल पहले से बना के रखे थे, आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इंडिया गेट बासमती राइस सर्व हो रहा है। तो इसको हम लोग प्लेट में निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड, हमारा चिकन चावल और प्याज आ गया है। और आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करके हमें कमेंट में बताना ज़रूर फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं खाने।